हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन की नियुक्ति के खिलाफ याचिका को माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खारिज किया है। आपको बता दें कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि प्रशासक के रूप में यह राजनीतिक व्यक्ति यानी चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक की नियुक्ति कानून के अंतर्गत वैध है, क्योंकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 99(2)(b) के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रावधान है कि सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि वक्फ बोर्ड के गठन में सरकार को समय लगेगा, इसलिए अभी बोर्ड के गठन के लिए याचिका का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा है कि वे अपनी याचिका वापस ले लें, अन्यथा याचिका खारिज करने के साथ साथ याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता पर भी भारी जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा। अंत में अधिवक्ता द्वारा याचिका वापस लेने की दरखास्त पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज कर दी गई है। इस बारे में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी नियुक्ति न्याय संगत की थी, जिस पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है, जिसके लिए वह उनके आभारी हैं। उन्होंने सभी लोगों का दुआओं व आभार इसने देने के लिए धन्यवाद व आभार जताया है। आप देख रहे हैं नुहू मिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट।